हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास नाइन्थ, योर टॉपिक इज ऑन प्रोग्रेस, डिटरमाइनर्स। ओके डियर्स, आपके दो प्रकार के डिटरमाइनर्स हैव बीन कंप्लीटेड हेयर। आई टॉट यू आर्टिकल डिटरमाइनर्स एंड पजेसिव डिटरमाइनर्स। प्यारे बच्चों, मैंने पजेसिव डिटरमाइनर्स भी आपको पढ़ा चुका हूँ। अब आर्टिकल डिटरमाइनर्स की बात करते हैं, वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया। पजेसिव डिटरमाइनर्स भी होते हैं और प्रोनाउन भी होते हैं, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन होगा वो होगा माइन, आवर्स, यूअर्स, हेज, हर्स, देयर्स, जबकि पजेसिव आपका क्या होगा, डिटरमाइनर्स होगा, तो वो होगा माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सभी। चलिए आज हम पढ़ते हैं यहां डेमोनस्ट्रेटिव। डेमोनस्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स प्यारे बच्चों, डेमोनस्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स में आते हैं दिस, दैट, दीज और दोज, जिसमें एक पार्ट यह है और एक पार्ट आपका यह है। हम इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है प्रदर्शनकारी, जो प्रदर्शित करते हैं, बताते हैं एक दूसरी बातों को, एक दूसरी चीज़ों को इंडिकेट करते हैं, पॉइंट करते हैं। लिखिए डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स आर दिस, दैट, दीज एंड दोज, दीज डिटरमाइनर्स point to people or things। प्यारे बच्चों, मैं एक उदाहरण देता हूं, पहले इसका हिंदी अर्थ करता हूं। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स प्रदर्शनकारी परिसीमक शब्द आ रहे हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज। दीज डिटरमाइनर्स पॉइंट माने इशारा करते हैं टू पीपल, लोगों की ओर, और थिंग्स, चीजों की ओर। प्यारे बच्चों, ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स हैं, इन्हीं को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, सर्वनाम का काम भी करते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं, दिस इज द बुक। ओके, एक मैं लिखता हूं दिस बुक इज माइन। अब इसमें जो दिस आया हुआ है वो आपका प्रोनाउन है, सर्वनाम है, जबकि इसमें आया हुआ है ये क्या है, आपका डिटरमाइनर्स है, यानी कि संज्ञा के साथ में जो आ गया वो एडजेक्टिव हो गया या डिटरमाइनर्स हो गया, और जो संज्ञा के साथ नहीं है वो प्रोनाउन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था माय बुक और कहता हूं माइन। अब ये पजेसिव डिटरमाइनर्स है आपका, दिस इज द पजेसिव डिटरमाइनर्स, दैट इज विद द नाउन, बट
ये आपका पजेसिव डिटरमाइनर्स नहीं है, ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, बिकॉज दिस इज विदाउट नाउन। ओके, चलिए मैं इसको मिटाता हूं। दिस एंड दैट आर यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन्स टू पॉइंट द नाउन दैट इज नियर। वी यूज दिस एंड दैट इज फार, वी यूज दैट। मतलब कहने का, यदि कोई वस्तु एक वचन है, निकट की वस्तु है तो दिस लगाते हैं, एक वचन है दूर की वस्तु है तो दैट लगाते हैं। यही उसमें होगा, दीज एंड दोज आर यूज्ड फॉर प्लुरल नाउन्स, द नाउन इज नियर, वी यूज दीज एंड द नाउन इज फार, वी यूज दैट, सॉरी दोज, टी एच ओ एस ई, दीज एंड दोज, वी यूज दिस दैट दीज एंड दोज। ओके डियर्स, आई राइट सम एग्जाम्पल्स हेयर, आई थिंक यू कॉपी। वी विल यूज द एग्जाम्पल्स ऑफ डेमोस्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। I found that book in this library. Students, that book, this library. मैंने उस पुस्तक को कहाँ पाया या वो पुस्तक मुझे कहाँ मिली, इस लाइब्रेरी में मिली। तो लाइब्रेरी भी आपका सिंगुलर है, बुक भी सिंगुलर है, वी यूज दिस एंड दैट फॉर सिंगुलर नाउन्स, बट माय डियर्स यू हैव टू माइंड इट, द नाउन इज नियर, वी यूज दिस लाइब्रेरी, बट द नाउन इज फार, वी यूज दैट, फॉर प्लुरल वी यूज दीज। These players have come from Japan. These players sitting on the benches come from Japan. Those books are mine. वो पुस्तक तो मेरी हैं. Those books are mine. वो पुस्तक मेरी हैं. Those books not near. Okay dears, these are the examples, demonstrative determiners. You have to copy the sentences from the blackboard. Okay, dears, I think you are very well. Your study is getting well.
कॉपी द सेंटेंसेज. डियर स्टूडेंट्स, डेमोन्स्ट्रेट डिटरमाइनर्स के बाद नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स. डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स. ओके, इसी के साथ मैं आज की क्लास समाप्ति को ले जाता हूँ. उज्ज्वल इसकी कामना करते क्लास समाप्त करता हूँ. थैंक्स.